वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द राइडिंग सोल। आई एम बैक विद न्यू व्लॉग। एंड जैसे कि आप लोग ने टाइटल देखा, आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं SC मोटो GP का एग्जॉस्ट विथ मैंने खुद ही बनाया भाई, वेल्वेट्रॉनिक बेंट पाइप। तो मतलब वेल्वेट्रॉनिक भी है उसमें और SC मोटो GP का एग्जॉस्ट भी है। तो गाइस यही है कि आज पूरा साइलेंसर चेंज करेंगे। साइलेंसर पूरा नहीं, बेसिकली बेंट पाइप से थ्रू हेडर्स पूरा हम लोग फुल सिस्टम एग्जॉस्ट इसमें लगाने वाले हैं। एंड एज यू गाइस नो कि जब आपकी गाड़ी पावर में एकदम बढ़िया हो जाती है तो उसमें क्या क्या हमें करना पड़ता है, दो तीन चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल से। हम लोग को एयर फिल्टर जो कि अच्छा ब्रेथ इंजन करे, ठीक है, और दूसरा आपका पावरफुल एग्जॉस्ट। भाई जब आप एग्जॉस्ट लगाओ तो आपको पता हो कि आपकी गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है, और ये सारी चीज़ें आप मतलब अपने हिसाब से फिगर आउट करके लगवा सकते हो। बेसिकली सबकी अलग अलग चॉइस होती है, किसी को लाउड चाहिए होता है, किसी को सूदिंग चाहिए होता है, तो मेरे को तो लाउड चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में मैं बस यही दिखाने वाला हूँ कि जो वेल्वेट्रॉनिक है जिसमें आवाज़ कम में कैसी आवाज़ आ रही है। आप देख सकते हो पीछे पूरा रोड खाली है, तो वेल्वेट्रॉनिक ऑफ में कैसी आवाज़ आएगी और ऑन में कैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे जो इक्विपमेंट्स है जो इसमें मैं डालने वाला हूँ। सो गाइस ये है मेरा एग्जॉस्ट जो मैं इसमें लगाने वाला हूँ, SC फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, यूज ओनली फॉर एग्जॉस्ट सिस्टम MotoGP। तो भाई MotoGP क्यों दिखाऊँ, ये देखो ये है MotoGP। ये आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बाइक्स में जो MotoGP होता है उसमें ये जो हमारी जाली वाले एग्जॉस्ट होते हैं इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली अभी 390 में भी ऐसे ही एग्जॉस्ट आ रहे हैं, मेरे को भी चाहिए था कि मैं भी ऐसा कोई एग्जॉस्ट अपनी बाइक में लगाऊं। तो यह गाइस आई एम गोइंग टू इंस्टॉल दिस ऑन माय बाइक ऑन स्टेला। तो इसका जो बेंट पाइप है मैं आपको वो दिखाता हूँ, इसको पहले नीचे रखेंगे। सो गाइस हियर इट इज़ अ बेंट पाइप। तो ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट का बेंट पाइप है। इससे पहले मैंने SC लगाया था, वो भी फुल सिस्टम एग्जॉस्ट था, एंड उसकी वीडियो आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर आई बटन भी दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो ये है, आप लुक देख सकते हो गए, ये मैंने यहाँ पे कुछ काम कर। सो गाइज आई एम वेरी सॉरी, ऑडियो करप्ट हो गया है इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, बिकॉज इन दिस पार्ट आई एम टेलिंग यू कि ये जो क्लैंप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस क्लैंप के थ्रू आई एम गोइंग टू ऑपरेट माय यू नो वेल्वेट्रॉनिक, इसको मैं इसी के थ्रू ऑन करूँगा और ऑफ करूँगा। अभी ऑफ है और ये मेरा वेल्वेट्रॉनिक ऑन हो गया है। अब मैं जो इसको क्लैंप को सीधा कर दूंगा तो आवाज़ खुल जाएगी, और जैसे ही घुमा दूंगा तो वेल्वेट्रॉनिक ऑफ हो जाएगा। सो गाइस बस इतना ही मैंने इस क्लैंप में मैकेनिज्म करा अपने हाथों से। एक डेढ़ हफ्ता मेरे को लग गया पूरा सक्सेस होने में, क्योंकि बार बार लगा के बार बार चेक कर रहे थे ताकि सक्सेस हो जाए, ढीला ना पड़े, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब सक्सेस हुआ है तो मैंने आपको दिखाया है, और होप करता हूँ ये पसंद आए आपको कि ये मैकेनिज्म जो मैंने इसमें किया है 100% श्योर हो चुका है गाइस ये कि ये वर्क कर रहा है। एंड अब इसको मैं फाइनल शॉट दिखाऊंगा आपको जो कि वेल्वेट्रॉनिक ऑन और ऑफ में इसकी साउंड कैसी आ रही है। तो एंजॉय करो उस वीडियो को भी। If it's controlling you, I know the time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. If the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, you put the work in. We got some work, man. So guys, finally, ab hamara jo एग्जॉस्ट इंस्टॉल हो चुका है। होप करते हैं आपको सिनेमैटिक्स अच्छे लगे होंगे। एंड चलिए अब आप लोग की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट सिस्टम। और अभी जो वेल्वेट्रॉनिक है वो शायद
ऑफ है, लेट मी सी फर्स्ट। तो ओ माई गॉड, हाँ तो अभी वेल्वेट्रॉनिक ऑफ है एंड ऑफ में इसकी आवाज़ सुनते हैं कि कैसा आ रहा है, ठीक है। तो गाइस चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट और सुनते हैं हमारे वेल्वेट्रॉनिक ऑफ पे SC प्रोजेक्ट फुल सिस्टम एग्जॉस्ट की साउंड। तो गाइस ये जो सिस्टम बना है ये कुछ ऐसा बना है कि जब इसको हम धीरे चलाते हैं तो सूदिंग आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा सूदिंग आवाज़ आती है, बट आफ्टर ऑन मतलब जब VVA ऑन हो जाता है हमारा तो उसके बाद ये प्रॉपर अपने एक्चुअल बीस मोड में आ जाती है स्टेला, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई जो उसमें काम करा है हम लोग वो वर्थफुल है, अगर आप लोग को कराना हो तो बता सकते हो। अब इसका हम लोग ऑन करते हैं, वेल्वेट्रॉनिक ऑफ करते हैं, ठीक है, और सुनते हैं कैसी आवाज़ कर रही है। तो बस सिंपल है, ऐसे सिंपल कर देना है इसको और हमारा वेल्वेट्रॉनिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली ये जो हम लोग ने करा है इसलिए करा है ताकि पुलिस वुलिस से बचने के लिए हम ये सब कर सकते हैं भाई। आप लोग अपनी सुपर बाइक्स में भी, जिनके पास सुपर बाइक्स है वो ये सब करवा सकते हैं। मैंने तो थोड़ा मतलब इतना परफेक्ट काम करा नहीं, लेकिन अभी इसके बाद मुझे क्या करना है ये मुझे स्टेप पता चल गया है, ठीक है। तो अभी सुनते हैं वेल्वेट्रॉनिक ऑफ पे इसका साउंड। भाई थंब बढ़ चुका है देख रहे हो। सो गाइस थंब के साथ बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया गाड़ी में, तो ये चीज़ मुझे बहुत पर्सनली पसंद आ रही है कि मैं एक्चुअली इसको चाह रहा था काफ़ी टाइम से करने के लिए। अब आपसे देख सकते हो मेरे पीछे पूरी जगह खाली है, तो एक बार वेल्वेट्रॉनिक ऑफ में और एक बार वेल्वेट्रॉनिक ऑन में हम लोग इसका टेस्ट करने वाले हैं कि दूर से सुनने में साउंड कैसा आता है, ठीक है। तो चलो बिना देरी के साथ करते हैं ये वाली फ्रेम को भी स्टार्ट। एंड होप गाइस, होप सो कि आप लोग मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बहुत क्रिएटिव चीज़ें मैं इस बार लाने वाला हूँ, ठीक है। तो नीचे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है एंड मेक श्योर जाके आप लोग फॉलो करना, ठीक है। तो चलो बिना देरी के साथ करते हैं नेक्स्ट फ्रेम बिगिन। तो लेट्स द नेक्स्ट फ्रेम बिगिन इन 3, 2, 1। गाइस होपे तो आपको ये जो एटलीस्ट 40% का जो रेशियो है मुझे लग रहा है भाई वॉइस में, बट जो वेल्वेट्रॉनिक जब ऑन होता है उसमें जो आपके 3000 के RPM के नीचे जो भी आवाज़ है वो दब रही है। तो मुझे बस यही चाहिए था ताकि पुलिस वुलिस वाले और बहुत सारी जगह आती है जहाँ पे हमें आवाज़ कम रखनी पड़ती है, तो उसके लिए ये इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन जो मैंने करा है। और ऑलमोस्ट मेरे को लगा एक महीना हो गया, तो ना इंजन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है ना ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने ऑलमोस्ट DP मैच करके भाई इसमें जो हमारा वेल्वेट्रॉनिक है वो लगाया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए कि भाई आप लोग भी ये सब कस्टम करवाओ अपनी बाइक की, तो भाई नीचे इंस्टाग्राम की ID है, मैसेज कर सकते हो, DM करना मेरे को, बाकी जो भी बात होगी वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। पर्सनली कैसे क्या करना अगर आप लखनऊ के आसपास हो तो आई कैन सजेस्ट यू दैट व्हाट यू कैन डू ऑन योर बाइक, ठीक है। तो बस होगा तो ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, अच्छा लगे तो यू जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइस वन मोर थिंग कि एक और नया चैनल आने वाला है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ किसी बड़े से नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।